मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैश बजटिंग। कैश बजटिंग का 11वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को बैंक शेष बताते हुए प्रक्षेपित चिट्ठा विधि से रोकड़ बजट तैयार कीजिए। अब तक जो हम रोकड़ बजट तैयार कर रहे थे, कैश बजट बना रहे थे, वो बजट बना रहे थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड से, प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति के आधार पर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो रोकड़ बजट तैयार करना है वो करना है प्रक्षेपित चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड के आधार पर। बैलेंस शीट दी गई है एज ऑन 31 दिसंबर 2017, गत वर्ष की, पिछले वर्ष के अंत की, या फिर ऐसा कहें कि इस वर्ष की प्रारंभिक जो है बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपये की, रिजर्व एंड सरप्लस है 30,000 रुपये के, डिबेंचर्स है 20,000 रुपये के, क्रेडिटर्स है 50,000 रुपये के। तो कुल मिलाकर जो बैलेंस शीट टोटल है वो है 2,00,000 रुपये का। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है 1,10,000 रुपये की, स्टॉक है 10,000 का, डेटर्स है 50,000 के, और कैश एट बैंक है 30,000 का। तो जब हम प्रक्षेपित चिट्ठा विधि या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड के आधार पर जब रोकड़ बजट तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिस वर्ष के लिए हम रोकड़ बजट तैयार कर रहे हैं उस वर्ष के संबंध में संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे हम वर्ष 2018 के लिए रोकड़ बजट तैयार कर रहे हैं, तो वर्ष 2018 के लिए संपत्तियों और दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा लिया गया है, और फिर जो प्रारंभिक जो चिट्ठा है, जो प्रारंभिक जो दायित्व और संपत्तियाँ हैं उनमें उन पूर्वानुमानों के आधार पर परिवर्तन कर दिया जाता है, और फिर जो है लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल लगा लिया जाता है। अगर लाइबिलिटीज साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश एट बैंक आता है। तो बैलेंसिंग फिगर के आधार पर जो हम रोकड़ ज्ञात करते हैं। अगर एसेट साइड का टोटल लाइबिलिटी साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड के आधार पर रोकड़ बजट तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज में पहले है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल है प्रारंभिक जो अंश पूंजी है वो है 1,00,000 रुपए की। अंश पूंजी के बारे में लिखा है कि 40,000 रुपए अंश पूंजी 10% प्रीमियम पर निर्गमित की जाएगी। तो वर्ष 2018 में, ये 2017 के अंत की अंतिम बैलेंस शीट है, तो 2018 में 40,000 रुपए की अंश पूंजी 10% प्रीमियम पर निर्गमित की जाएगी। तो 40,000 रुपए की पूंजी और निर्गमित की जाएगी तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल पहले से है, और 40,000 रुपए की शेयर कैपिटल और इशू की जाएगी तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 1,40,000 की। इसको हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में लिखना जरूरी नहीं है, इसको हम दिखा सकते हैं शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की। ओपनिंग शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, और ऐड कर देंगे इश्यूड इन 2018 40,000 की और इश्यू की है तो 1,40,000 की शेयर कैपिटल है। इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन भी हम दिखाएंगे वर्किंग नोट में। तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है 30,000 रुपए का। इसमें हम ऐड करेंगे, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रीमियम है वो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है, तो 10% प्रीमियम पर 40,000 रुपए की अंश पूंजी निर्गमित की गई। तो प्रीमियम, शेयर प्रीमियम इसमें ऐड कर देंगे,
शेयर प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, 40,000 का 10% 4,000 रुपये। तो पहला तो हम शेयर प्रीमियम ऐड कर देंगे, दूसरा हम ऐड करेंगे जो लाभ हुए हैं, लाभों को हम ऐड करेंगे। तो लाभ दिखाए जा रहे हैं 30,000 के, तो ये नेट प्रॉफिट दिखाया गया। छठे पॉइंट में जो लिखा है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास 30,000 रुपये, लाभ पर 50% कर है तो प्रावधान करने के बाद स्थायी संपत्तियों पर ह्रास 30,000 रुपये तथा लाभ पर 50% कर है तो प्रावधान करने के बाद लाभ है 30,000 रुपये। तो ये जो 30,000 रुपये लाभ है ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को हम जो है बैलेंस शीट में नहीं ले जाते हैं, इसमें से कुछ अप्रोप्रिएशन करने के बाद में, जैसे डिविडेंड चुका दिया जाता है, कुछ एम्प्लॉयज को बोनस दे दिया जाता है, कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद में जो बैलेंस बचता है उसको हम जो बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो छठे पॉइंट में दिया गया है कि जो नेट प्रॉफिट है वो है 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स घटाने के बाद में। सातवें पॉइंट में लिखा है कि प्रारंभिक अंश पूंजी पर 8% लाभांश और अंतिम अंश पूंजी पर 10% प्रस्तावित लाभांश। तो इसका अप्रोप्रिएशन करेंगे और फिर जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट का वो हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट ऐड होगा, देखिए प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये का, इसमें से हम क्या करेंगे, एक तो डिविडेंड पेड, ये तो डिविडेंड पे हो चुका है, कितना प्रारंभिक अंश पूंजी, प्रारंभिक अंश पूंजी कितनी है 1,00,000 रुपये की, प्रारंभिक अंश पूंजी पर 8%, प्रारंभिक अंश पूंजी पर 8% लाभांश दिया, तो एक तो 8,000 का डिविडेंड पे कर दिया 30,000 में से, और फिर एक प्रपोज डिविडेंड है जो अभी पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है, वो भी उसका भी हमने अप्रोप्रिएशन कर दिया, लाभों में से नियोजन कर दिया है। जो अंतिम अंश पूंजी है, लिखा है अंतिम अंश पूंजी पर 10% प्रस्तावित लाभांश, तो 1,40,000 का 10% हो गया 14,000 रुपये। तो ये दोनों घटा दिए जाएंगे 30,000 में से, तो घटाते हैं तो 22,000, 8,000 बचता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट जो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा बनेगा, टोटल कर लिया जाएगा 42,000 रुपये। तो रिजर्व एंड सरप्लस है 42,000 रुपये। 2018 के अंत में रिजर्व एंड सरप्लस होंगे 42,000 रुपये के। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद दिया गया है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है 2018 में, तो डिबेंचर्स 20,000 रुपये के लिख देंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि तीसरे पॉइंट में वर्ष के अंत में देनदार 80,000 रुपये और लेनदार 70,000 रुपये, तो वर्ष के अंत में यानी कि ए जोन ये बन रही है 31 दिसंबर 2018 की, तो वर्ष के अंत में क्रेडिटर्स होंगे 70,000 रुपये के। प्रपोज डिविडेंड भी यहां पर आएगा, प्रपोज डिविडेंड एक प्रकार से करंट लाइबिलिटीज है, प्रस्तावित लाभांश है, अभी तक चुकाया नहीं है। ये जो प्रारंभिक अंश पूंजी पर 8% का लाभांश, ये तो चुका दिया गया था 8,000 रुपये, लेकिन ये जो अंतिम अंश पूंजी पर जो 10% का लाभांश है वो प्रस्तावित है, अभी तक चुकाया नहीं है, तो ये एक प्रकार से लाइबिलिटी है। तो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 14,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। और एक चीज और रह जाती है, वो ये है कि जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, लाभ पर 50% कर हेतु प्रावधान करने के बाद लाभ है 30,000 रुपये का, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो 50% है वो भी यहां पर करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। कितना है, लिखा है कि लाभ पर 50% कर हेतु प्रावधान करने के बाद लाभ है 30,000 रुपये,
तो लाभ है 30,000 रुपए प्रावधान करने के बाद, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 30,000, तो बिफोर टैक्स कितने होंगे? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुए 30,000 है, आफ्टर टैक्स यह है 50%, क्योंकि 50% हमने लाभों में से 50% प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया था और बाकी बचा हुआ 50% जो है वो है नेट प्रॉफिट। तो ये 50% है तो 100% कितना है? 60,000, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 60,000 रुपए का, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 50% है, प्रोविजन फॉर टैक्स है एट द रेट 50%, लिखा है लाभ पर 50% कर हेतु प्रावधान, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 50% का, तो 60,000 का 50%, 60,000 का 50% होता है 30,000 रुपये, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 30,000 रुपये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 30,000 रुपये 50% कर में प्रावधान करने के बाद, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? अगर 30,000 50% है 50% प्रावधान करने के बाद, तो 100% कितना था? 100% था 60,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना किया गया? तो लाभों का 50% प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, तो लाभ है 60,000 रुपए बिफोर टैक्स, तो 60,000 का 50% 30,000 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो लाइबिलिटी साइड में यही आइटम आएंगे। अब बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 रुपए का, फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 रुपए का, और स्थाई दूसरे पॉइंट में लिखा है कि स्थाई संपत्तियां खरीदी जाएंगी 80,000 रुपए की, तो 80,000 रुपए की स्थाई संपत्तियां खरीदी जाएंगी एड परचेज 80,000, तो कुल मिलाकर 1,90,000 रुपए की स्थाई संपत्तियां होंगी वर्ष 2018 में, और इन स्थाई संपत्तियों पर ह्रास लगा दिया जाएगा। छठे पॉइंट में लिखा है स्थाई संपत्तियों पर ह्रास है, तो डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा इसे 1,90,000 में से, डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, तो 1,60,000 रुपये की फिक्स्ड एसेट्स बचेंगे। क्या हुआ है, 1,10,000 रुपये की संपत्तियां थी, फिक्स्ड एसेट्स थी शुरुआत में, और वर्ष के दौरान 80,000 की स्थायी संपत्तियां और खरीद ली गई दूसरे पॉइंट में लिखा है, और इसमें से जो है यह है 1,90,000, 1,90,000 की फिक्स्ड एसेट्स हैं, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो स्थायी संपत्तियों पर 30,000 रुपए का ह्रास लगाया गया है छठे पॉइंट में लिखा है, तो जो स्थायी संपत्तियां हैं वो हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो इनका बैलेंस है वो है 1,60,000 का। दूसरा स्टॉक, स्टॉक के बारे में लिखा है कि स्टॉक के स्तर में प्रस्तावित वृद्धि है 100%, मतलब जो स्टॉक है उसमें वृद्धि हो जाएगी 100% की, तो 10,000 पहले से है ओपनिंग स्टॉक और अब इसमें वृद्धि हो जाएगी 100% की, तो जितना है उतनी की उतनी और वृद्धि हो जाएगी, यानी कि स्टॉक हो जाएगा 20,000 रुपये का, 100% वृद्धि हो जाएगी उसमें। स्टॉक के बाद है डेटर्स, तो डेटर्स के बारे में लिखा है तीसरे पॉइंट में, वर्ष के अंत में देनदार होंगे 80,000 रुपए के, 80,000 रुपए के देनदार होंगे वर्ष के अंत में, कैश एट बैंक हमको ज्ञात करना होगा, तो उसको छोड़कर, कैश एट बैंक को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है और एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार की जाती है, फिर टोटल किया जाता है और अंतर देखा जाता है। अगर संपत्तियां ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, और अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है संपत्तियां कम है तो जो अंतर की राशि है वो कैश एट बैंक या कैश इन हैंड होगा। तो डेटर्स है 80,000 के, और डेटर्स के बाद कैश एट बैंक जो हम यहां पर नहीं लिखेंगे, एक चीज रह जाती है वो है एडवांस टैक्स, पांचवा पॉइंट है 20,000 रुपए का अग्रिम कर चुकाया है, अभी तक कर का दायित्व तो उत्पन्न नहीं हुआ था लेकिन फिर भी अग्रिम चुका दिया, एडवांस दे दिया है, तो एडवांस टैक्स एक तरह से
प्रीपेड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स में आते हैं। तो एडवांस टैक्स है 20,000 रुपए का। अब टोटल कर लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सा पक्ष का टोटल ज्यादा है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या जाएगा, 1,40,000 प्लस 42,000, 20,000 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000। लाइबिलिटी साइज का टोटल आ रहा है 3,16,000 रुपये। और एसेट साइड का टोटल देखें, 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000। और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 2,80,000 रुपये। यानी कि लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा है, एसेट साइड का टोटल कम है। तो जो अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट है, वो होगा कैश एट बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस अमाउंट है। तो 2,80,000 टोटल आ रहा है एसेट साइड का, और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 3,16,000। तो जो अंतर है 36,000 रुपये का। तो ये 36,000 कैश एट बैंक है, 3,16,000। तो वर्ष के अंत में, वर्ष 2018 के अंत में 36,000 रुपये रोकड़ शेष रहेगा, बैंक में रोकड़ शेष बचेगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाकर ज्ञात किया है। तो रोकड़ बजट बनाने की, रोकड़ ज्ञात करने की, रोकड़ के संबंध में पूर्वानुमान लगाने की जो है दूसरी विधि है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।